नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G40 Fusion vs Realme Narzo 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G40 Fusion में 6.68 इंच जबकि Narzo 50A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G40 Fusion से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Moto G40 Fusion में 0.38 इंच जबकि Narzo 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G40 Fusion में 225 ग्राम जबकि Narzo 50A में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Moto G40 Fusion में 20:5:9 जबकि Narzo 50A में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G40 Fusion में 6.8 इंचेस जबकि Narzo 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G40 Fusion में 1080x2460 और Narzo 50A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G40 Fusion में 85.43% जबकि Narzo 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G40 Fusion में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Narzo 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G40 Fusion में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 50A की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G40 Fusion में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Narzo 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G40 Fusion में Adreno 618 जबकि Narzo 50A में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G40 Fusion में Qualcomm Snapdragon 732G और Narzo 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G40 Fusion में अप टू 1TB जबकि Narzo 50A में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
मोटो G40 फ्यूजन में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 51 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो मोटो जी 40 फ्यूजन में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 58 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो जी 40 फ्यूजन आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो जी 40 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है, जो कि 12,180 रुपए में मिलता है। दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है, जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। तीसरा रियलमी 8 है, जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी नोट 10 है, जो कि 14,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।